हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबसे मैं दिवाली डेकोरेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 बहुत ही इजी और सिंपल सी कैंडल डेकोरेट की है, और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे टी लाइट कैंडल का यूज़ किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और जो जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले ली कैंडल, हम लेंगे कुछ लेस। ये मैंने लिया है टेप, गोल्डन पर्ल, फोम फ्लावर्स, साथ ही ये मैंने ली है लेस, सीजर एंड ये कुछ पॉम्पॉम। तो हम सबसे पहले कैंडल ले लेंगे और ले लेंगे कुछ फ्लावर्स। तो हम कैंडल के चारों साइड पे ग्लू लगाएंगे और फ्लावर को एक एक करके इसमें चिपकाते जाएंगे। हमने यहाँ पे चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक का यूज किया है, इससे ये बहुत ही इजी चिपक जाती है। तो हम ग्लू लगाते जाएंगे और साथ के साथ फ्लावर भी चिपकाते जाएंगे। तो ये हमने अपनी पहली कैंडल रेडी कर ली है। अब सेकेंड कैंडल के लिए हमने ली है कैंडल और साथ ही पॉम्पम। तो सेम उसी तरीके से हम इसमें भी ग्लू लगाते जाएंगे और पॉम्पम चिपकाते जाएंगे साथ में। मैंने यहाँ पे मल्टी कलर के पॉम्पम का यूज किया है, आप सिंगल कलर का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्ट्री लाइट कैंडल नहीं है तो आप नॉर्मल दिया का भी डेकोरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। सो ये हमारी सेकेंड कैंडल भी रेडी हो गई है। अब हम थर्ड कैंडल डेकोरेट करेंगे, इसके लिए हमने गोल्डन पर्ल का यूज किया है। तो अब हम कैंडल के चारों साइड पे ग्लू लगा लेंगे और पर्ल को चिपकाते जाएंगे। मैंने बहुत ही इजी और जो फटाफट रेडी हो जाए ऐसा आइडिया शेयर किया है। आप कैंडल को किसी भी फंक्शन में डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो हमने कैंडल के चारों ओर पर्ल लगा ली है और ये हमारी थर्ड कैंडल भी रेडी है। अब हम फोर्थ कैंडल डेकोरेट करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे लेस का यूज किया है। आप कोई सी भी कलर की या कैसे भी डिजाइन की लेस यूज कर सकते हैं। अब बस इसे ग्लू लगा के और चारों साइड पे हम लेस चिपका लेंगे। तो ये हमारी फोर और बहुत ही इजी सी कैंडल डेकोरेट हो चुकी है। तो अब हम हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कैंडल डेकोरेट करने वाले हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है कलरफुल टेप। इसे हम पहले ग्लू लगा लेते हैं कैंडल में और अब चारों साइड पे टेप चिपका देंगे। टेप चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे ग्लू का यूज किया ताकि ये और अच्छे से चिपके रहे, निकले ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे पांचों कैंडल रेडी कर लिए, जो कि बहुत ही इजी, सिंपल एंड 2 मिनट में आपकी रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी है। और जो जो मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ऐसी एक भी वीडियो मिस ना करें। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।